morning students, myself Jackie Roach is first standard second and today we will solve exercise look at page number 46 is for jo ye exercise hai na number a you know what do you know two words sometimes join together to make a new word the two words ko ek words mein banana hota hai to hum unhe jod dete hain ek sath एंड इन वर्ड्स को कंपाउंड वर्ड कहते हैं ओके सो इस एक्सरसाइज में हम यही सीखेंगे नंबर ए है चैप्टर 5 की एक्सरसाइज है ये सो नंबर ए मिस्टर सन एंड मिस मून वेंट फॉर अ वॉक कैरिंग अ बास्केट ऑफ वर्ड्स चेक हाउ मेनी वर्ड्स दे कैन मेक व्हेन एडेड टू सन और मून सन और मून दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं वॉक पर जा रहे हैं एंड एक बास्केट लेकर जा रहे हैं वर्ड्स की सो हमें ये चेक करने हैं और हमें बताने हैं ये जो पिक्चर में दिया गया है ना लुक एट दिस पिक्चर इसमें जो बास्केट है इसमें वर्ड्स हैं तो इसमें मैं सन एंड मून को ऐड करके न्यू वर्ड्स बनाने हैं ओके सो सबसे पहले लिखा है लाइट लाइट को हम सन लाइट मून लाइट दोनों में ऐड कर सकते हैं बट हमें एक में ही करना है बिकॉज एट लाइन्स हैं एंड एट ही वर्ड्स हैं तो हम यहाँ लिखेंगे सन लाइट ओके नंबर एक वन में एंड नंबर टू सनशाइन मतलब सूर्य की रोशनी या धूप सनशाइन में धूप होता है एंड नंबर थ्री में लिखेंगे सनफ्लावर आपने तो सुना होगा ना सनफ्लावर में सूरजमुखी होता है एंड ये सन की डायरेक्शन में ही चलता है एंड सन ग्लासेस सन ग्लासेस हम लोग धूप में जो ब्लैक कलर के ग्लास होते हैं चश्मे जो हम धूप में लगाते हैं उन्हें सन ग्लास कहते हैं अब मून वाले ऐड करेंगे सो मून का हो जाएगा मूनलिट मींस चांद की रोशनी एंड मून स्टोन मून वीव मींस चांद की किरण एंड मून वर्ल्ड एंड मून स्टोन ओके इस तरह से ये वर्ड्स हमने बना दिए हैं ये एट वर्ड्स हैं ये आपको अभी क्लास वर्क में लिखनी है एंड लुक एट पेज नंबर 47 नंबर वी है आई एम अ कंपाउंड वर्ड नेम मी सो यहाँ पर कंपाउंड वर्ड दे रहे हैं जो ये एक्सरसाइज है अगर आप ये कर सको होमवर्क में तो कर लो अदरवाइज मैं आपको करवा दूंगी सॉल्व एंड नोट इट थैंक यू